कटिहार में कोढ़ा विधायक कविता पासवान के भतीजा नीरज पासवान हत्याकांड की गुत्थी परत दर परत खुलने लगा है। पुलिस ने अब उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। पुलिस ने डंडखोड़ा थाना क्षेत्र से भास्कर झा को गिरफ्तार कर एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार भास्कर झा के क्राइम कुंडली की अगर बात करें तो कदवा थाना क्षेत्र के निर्मल बुबना हत्याकांड में भी वह आरोपी रहे हैं। फिलहाल वो जेल से बेल पर बाहर है। बताते चले कि 6 मार्च को कोढ़ा विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान को नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नामजद आरोपी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। एसपी जितेंद्र कुमार ने जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन करने का भरोसा दिया है। सर क्या उपलब्धि है? आज कटिहार जिला के नगर थाना अंतर्गत 6 मार्च को जो घटना हुई थी, नीरज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसमें जो मेन शूटर था पुलिस की तत्परता से जो है उसको उसी समय पकड़ा गया था। लाइनर था वो भी पकड़ा गया था। 2 लोग थे वो जेल में थे और एक जो रवि जायसवाल था जो मेन आदमी था वो भी पकड़ा गया, वो सरेंडर किया कोर्ट में। आज हम लोग को उसी केस में सफलता मिली है। उसमें भास्कर झा ये जो है गिरफ्तार हुआ है पिस्टल के साथ। इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिंदा कारतूस है 3 और राइफल की भी जो गोली है वो भी 7 जिंदा कारतूस गोली है इसके पास से बरामद हुआ है। जो घटनाक्रम हुआ था, जो शूटर है जो आलोक प्रधान है उसको इसी ने यहाँ पर बैगना के पास जो है रूम दिलवाया था, और जो शूटर के साथ एक और आदमी था राजा झा और ये भास्कर झा। तो राजा झा जो है जैसा कि आप देखते हैं वो मोटरसाइकिल पर भी जो है वो दिखता है और ये उसका एसोसिएट है। यहाँ का एक बहुत फेमस केस है जो कदवा में सुजीन बुबना की जो गोली मार कर हत्या की गई थी 2021 में, उसमें ये भास्कर झा भी जो है जेल जा चुका है और ये मेन राजा झा का जो है एसोसिएट है। तो इन सभी लोगों ने जो है एक तरह से प्लानिंग करके साजिश करके शूटर को इसी ने रुकवाया था यहाँ पर, और रुपये भी जो है जो पे किए थे मकान मालिक को उसका भी प्रूफ है जो ऑनलाइन जो इन लोगों ने पेमेंट किया था। तो ये जितना भी एक एक कड़ी है उस कड़ी में जितने भी लोग आ रहे हैं उसको हम लोग अनुसंधान में उन लोगों को ला रहे हैं डायरी में, और इस सभी लोगों को जो है हम लोग विधिवत जो कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर घटना को जब अंजाम दिया गया था तब स्पॉट पे भास्कर झा